नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। कैसे भाई सब लोग, जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कैसे है सब लोग। आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, जल्दी से एक बार बताइए, है ना। तो भाई जैसा कि आप लोग को पता है कि डेली शाम के 7 बजे मैं आपको साइंस की क्लास लेके आता हूं, और आज हमारा सेट नंबर 11वां है। सेट नंबर बच्चों आज कौन सा है? 11वां है, है ना। एक चीज और भी है मुझे आपको दिखानी थी, एक मिनट रुक जाइए जरा। ओके, आप लोग सामने ये देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जो है देखो एक अनुराग सर की क्लास का इंटर वो बता रहा हूँ। अनुराग सर की जो क्लास की टाइमिंग है वो ठीक 3 बजे है, आप अनुराग सर की टाइमिंग को भी क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आज हमारा 11वां नंबर सेट है। अभी मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। आज भाई देखिए ऑफर का अंतिम दिन है। वो PDF जूती थी वो नहीं खुली क्या? नहीं खुली है। अच्छा हाँ ठीक है, ओके हाँ ठीक है। तो बच्चों मैं ये बता रहा था कि आज ऑफर का अंतिम दिन है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, ग्रुप डी का कंप्लीट बैच 360 रुपए में, RPF SI कांस्टेबल 360 रुपए में। इसके अलावा ALP CVT1 प्लस CVT2 का कंप्लीट पैकेज, CVT1 प्लस CVT2 का कंप्लीट पैकेज 700 रुपए में, और JEE का CVT1 का कंप्लीट पैकेज 360 रुपए में, है ना। तो आप सब लोग ये कंप्लीट बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं एक बार और बता दूं, इस सारे बैचों को ज्वाइन करने के लिए आपको माई पाठशाला ऐप को डाउनलोड करना होगा, और वहां पर एक छोटा सा कूपन कोड लगाना होगा YOGI10, जिससे आप डिस्काउंट के साथ अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो मैं एक बात बता रहा था, मैंने आपको कहा था कि हम लोग के 10 सेट कंप्लीट हो चुके, और 10 सेट की डेली 25 क्वेश्चन की, बताइए कितने क्वेश्चन की PDF हो रही, 250 बेस्ट NCERT के क्वेश्चन हो रहे। अगर 250 बेस्ट NCERT के क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन की PDF आपको कहां मिलेगी मैं वो भी बता दूं। तो बच्चों इस क्वेश्चन की PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे माई पाठशाला PDF, माई पाठशाला को बिना स्पेस के साथ लिखेंगे, माई पाठशाला PDF को डाउनलोड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो टेलीग्राम चैनल है माई पाठशाला PDF, तो माई पाठशाला PDF को जैसे आप ज्वाइन करेंगे ना, तो ये देखिए डबल कॉलम के साथ हम लोगों ने NCERT के जो 10 सेट हुए ना उसकी PDF तैयार कर लिए। अरा आप लोग ये देख पा रहे होंगे, अरा तो NCERT का ये पहला सेट मैं इसलिए दिखा दे रहा हूं ताकि जल्दी से आप क्वेश्चन देख लो। अरा ये पहला सेट हो गया, पहले सेट में जो हमारे 25 क्वेश्चन यहां से खत्म हो गए, फिर उसके अच्छा सबके आंसर लास्ट में नीचे। अरा इसी तरह से NCERT का ये दूसरा सेट, अरा और ऐसा करते करते NCERT के ये सारे के सारे 10 सेट डबल कॉलम में PDF के साथ, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी देखिए। ऐसा नहीं कि आप हल्के फुल्के क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने इस तरह के डायग्राम वाले क्वेश्चन भी डाल रखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आते। और ये सबसे लास्ट में फिर इन सभी 25 क्वेश्चन के मैंने सबसे लास्ट में यहां पर आंसर दे रखे, ये सब आंसर है, ये सब हमारे क्या बच्चों ये सब आंसर है। एक दो टे नहीं लगे हैं, वो अभी लगवाते जो है आपको अपलोड कर दिए जाएंगे ना। तो टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास 10 सेट के आंसर है। तो ये सारी की सारी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और कौन सा टेलीग्राम चैनल है आप उसको नोट डाउन कर लेना। और ये स्पेशली हमारा PDF वाला टेलीग्राम चैनल है, डबल कॉलम की जितनी भी PDF होती है वो सब इसी में पड़ी होती है, और नाम जरूर याद रखिएगा माई पाठशाला PDF, ठीक है भैया। तो भैया पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए फटाफट, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए, बताइए जल्दी से। और जरूर अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार सेशन को लाइक भी कर देना, है ना। तो चलिए फिर हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बताइए जल्दी से आज के पहले क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर किसके साथ जाएगा? ये रहा भाई आज का पहला क्वेश्चन, पढ़िए समझिए और बताइए उत्तर क्या है, ठीक है। चलो बच्चों पहला बोलिए, इन्होंने बोला है पहला क्वेश्चन वेबर, WB मतलब होता है वेबर, और AT power -1। बच्चों यहां देखो लिखा है ऊपर वेबर, और AT power -1 का मतलब होता है सर एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर इनमें से बताइए किसकी यूनिट होती है? वेबर पर एम्पियर के बारे में बोला, वेबर पर एम्पियर। अब सुनो बड़े ध्यान से जो मैं बता रहा हूं बच्चों, याद रखना एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, N φ = L × I, N φ = L × I, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहां पर N होता है फेरो की संख्या, N होता है फेरो की संख्या, और I होता है एम्पियर। तो अगर N फेरो की संख्या है तो फेरो की संख्या का कोई मात्रक नहीं, फाई सर फाई का मात्रक होता है वेबर, और धारा आई सर आई का मात्रक होता है एम्पियर। तो बच्चों ये यूनिट बन जाती है तुम्हारे एल की।
एल जिसको आप प्रेरकत्व कहते हैं बच्चों, प्रेरकत्व की यूनिट वेबर पर एम्पियर होती है, और इसी को बताइए हम किस नाम से जानते हैं सर, इसी को हम लोग हेनरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेनरी। अरे तो वेबर पर एम्पियर ये हमारा प्रेरकत्व है, तो चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो, स्वप्रेरकत्व हो, चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जिसको आप एम से शो करते हैं और स्वप्रेरकत्व को एल से, इन दोनों की यूनिट हमारी हेनरी ही होती है। इसीलिए सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा बी और सी के साथ है। बोलिए भाई, बात सबको क्लियर है ना? देखो चुंबकीय फ्लक्स, ध्यान रखना चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, सिर्फ वेबर। तो कोई भी डाउट मत रखिएगा, मैं पहले बता दूं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, बहुत प्यारा सवाल, और ध्यान से पढ़िए और जल्दी बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। पढ़िए क्या बात है, वेरी गुड चंदन, सूरज, नेहा, अंकित, करण, एएलपी, हाँ संदीता, क्या बात है बच्चों। अगला सवाल लिखा है, प्रतिरोधों के निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास बिंदु एक्स और वाई के बीच न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्रस्तुत करता है? सर उन्होंने बोला है कि बताइए इनमें से कौन न्यूनतम है, मिनिमम है। तो चारों डायग्राम देखिए और चारों डायग्राम में से वो डायग्राम बताइए जो सभी में मिनिमम होगा। है नेट रेजिस्टेंस निकालना आता है ना भैया, जैसे कि सी वाले का अगर मैं नेट रेजिस्टेंस देखूं तो आप ये कहना कि सी वाले का नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 और 20 को समांतर, और 20 और 20 का समांतर बताइए कितना हो जाएगा, 10। बोलो होगा। फिर ये देखिए सर 10 और 10 सीरीज 20, 10 10 का सीरीज 20, और बच्चों जैसे ही 20 और 20 का समांतर निकालेंगे तो ये भी 20 और 20 का समांतर 10, यहां भी 10 आया, देखो जाए आया भी आया। और मेरे भाई यहां देखिए सर, जब भी कभी P बटे क्यू बराबर R बटे S होता है, हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी कभी P बटे क्यू बराबर R बटे S होता है, यानी P और Q में जो अनुपात होता है सर वही अनुपात R और S में होता है, तो बात ध्यान रखना बीच वाले में कोई धारा नहीं जाती, ये नियम होता है, इसे बोलते हैं संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आप देखो ऊपर भी ये 10 और 10 सीरीज, ये भी 10 और 10 सीरीज, तो बच्चों ऊपर भी 20 नीचे भी 20 और 20 और 20 का समांतर 10 हरा। तो आप ये डॉर से देखिए, उन्होंने मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा था, लेकिन जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया तो सभी में बराबर रेजिस्टेंस आ गया, इसीलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होगा, सर सभी में बराबर प्रतिरोध होगा। बोलिए भाई बात सबको क्लियर है, थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो भाई फटाफट जल्दी से। हरा ये लीजिए अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए भाई जल्दी से, बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर क्या होगा। पढ़िए, वेरी गुड संगीता, वेरी गुड, क्या बात है शिवशंकर, जसवंत, हा बच्चों बोला जा रहा है कि प्रजनन शब्दों के सेट दिए गए, वह सेट चुने जो गलत है, आपको वह सेट बताना है जो इनमें से बताइए क्या है बच्चों गलत है, पढ़ लो सब लोग, और आपको सही नहीं बताना, मैं पहले बता दूं आपको गलत बताना है, एक एक करके पढ़िएगा, जहां आपको गलती समझ में आए वही टिक कर दो, ठीक है। जैसे पहला वाला देखिए, स्पर्म टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस, हरा, फिर मासिक धर्म अंड, अंडवाइनी और गर्भाशय, स्पर्म ओविडट एड यूटेरस यूट्रस, फिर ओवुलेशन एड ओविडट यूट्रस, आप बताइए इनमें से कौन सा सेट गलत है प्रजनन तंत्र के बारे में, तो आप खुद मुझे बताओ इनमें से गलत, आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि स्पर्म जो है सर ये मेल में होता है, ये मेल वो है गैमेट है, और उसके बाद ओविडक्ट सर ये फीमेल में होता है, एग फीमेल में होता है, यूट्रस फीमेल में होता है, तो भैया मेल का स्पर्म क्या इसके फीमेल गलत है यार, प्रजनन शब्दों के सेट नीचे दिए गए, संयोजन गलत है, गलत है ये ऑप्शन गलत है। बोलो भाई बाकी ओवल्यूशन एड ये सब हमारे सही है, चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी हमारा टोटली गलत आंसर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बताइए, चौथा नंबर पढ़िए जल्दी से, बताइए क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर क्या होगा। हा हा क्या बात है, आंसर देख के दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं चौथे का आंसर कितने लोग सही देते हैं। निम्नलिखित परिपथ में प्रदर्शित निकाय का तुल्य रेजिस्टेंस बताओ, सर आपको नेट रेजिस्टेंस बताना, नेट बच्चों मैं आपको बता दूं ये धारिता जुड़े संधारित्र, और संधारित्र में क्या होती है खूबी, जब संधारित्र में सीरीज में होता है ना तो उल्टा करके जुड़ता है, और समांतर में जब होता है तब सीधा जुड़ता है, याद है? तो बच्चों इसको कैसे जोड़ेंगे, तो बच्चों देखो
इसमें जोड़ेंगे दो और दो का सीरीज, तो बच्चों दो और दो का सीरीज चार नहीं होगा, क्योंकि संधारित्र है, तो दो और दो का सीरीज हो जाएगा एक माइक्रोफेराड, उल्टा हो गए है। अब ये हट चुके हैं, एक और एक का समांतर, सर एक और एक का समांतर हो जाएगा बच्चों दो माइक्रोफेराड, समांतर में डायरेक्ट जोड़ते हैं, फिर दो माइक्रोफेराड एक माइक्रोफेराड सीरीज, दो और दो का सीरीज एट, फिर एट और एट का समांतर, ये वाला एट और ये वाला एट, सर एट और एट का समांतर बताइए कितना हो जाएगा, सर दो माइक्रोफेराड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। बच्चों ये सारे के सवाल आपको मुंह जवानी आने चाहिए मेरे दोस्त, अरे आप इसमें टाइम दोगे ना तो इसका मतलब आप आसान सवाल को बहुत गलत तरीके से सोल्व कर रहे हो। बोलिए बात सबको क्लियर है ना, तो होता क्या है कि जब संधारित्र जोड़े जाते हैं तो रेजिस्टेंस भी जस्ट उल्टे में होते हैं, दो और दो का संधारित्र जो सीरीज होता है वो चार नहीं होगा सर एट होगा, है ना, वही बात यहां पर लड़ाई गई है। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो बच्चों क्वेश्चन नंबर पांचवा, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर पांचवे का आंसर क्या होना चाहिए, आंसर दीजिए क्या बात है, वेरी गुड सूरज आकाश सोमन मिस्टर राजपूत क्या बात है। हाँ बच्चों देखो मैं पहले बता दूं, चुनाव आने वाले हैं और आप पढ़ाई करते रहिए, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन कायदे के साथ तैयारी करते रहिए ना, डेडिकेट होकर तैयारी कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए। प्रश्न लिखा हुआ है ऑन विच प्रिंसिपल डज नॉट पेरिस्कोप वर्क, डज द पेरिस्कोप वर्क, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है। आपको मैं बता दूं पेरिस्कोप आपने कभी देखा है, देखो आपको मैं बताऊं पेरिस्कोप कुछ ऐसा होता है, मैं बता रहा हूं कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी जो है सर चट्टान के नीचे है, ये रही वो चट्टान, ध्यान से सुनना कायदे के साथ है, सर ये रही वो चट्टान, और एक आदमी चट्टान के नीचे खड़ा है और वो ये देखना चाह रहा है कि चट्टान के ऊपर क्या लगा हुआ है, तो एक पेरिस्कोप लगा देना। बच्चों पेरिस्कोप में क्या होता है कि दो समांतर दर्पण लगे होते हैं, पहला समांतर दर्पण ये और दूसरा समतल दर्पण ये, समतल दर्पण ऐसे, तो जैसे ही देखना शुरू करता है ना बच्चा, तो होगा क्या कि यहां से ये जो पेड़ लगा हुआ है इससे लाइट रे ऐसी आएगी, फिर यहां से टकरा के ऐसी जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, और पता चल जाएगा कि ऊपर क्या लगा हुआ है। तो जब हमें अपने लेवल से ऊपर या नीचे देखना होता है तो वहां पेरिस्कोप इस्तेमाल करते हैं। बच्चों याद रखना पेरिस्कोप में दो समांतर दर्पण होते, समतल दर्पण होते दो, ऐसे दूसरा ऐसे, समतल यानी प्लेन मिरर है ये दोनों, सर ये दोनों प्लेन मिरर है लेकिन आपस में कैसे समांतर है, इनका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी पूछा जाता है, बच्चों इनका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बताइए कितना होता है 45। तो पेरिस्कोप ध्यान रखना एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे आप अपने लेवल के ऊपर या लेवल के नीचे देख सकते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही घटना पे काम करती है जिसको आप बताइए किस नाम से जानते हैं, सर जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। अरे आपने वो देखा पनडुब्बी, पनडुब्बी में पता आदमी क्या करता है, देखो जैसे कि ये पानी की सरफेस हो रही है, और कभी आप पनडुब्बी को देखिए तो पनडुब्बी ऐसे पानी के अंदर होती है, तो बच्चों होता क्या है कि यहां पर एक आदमी ऐसे खड़ा होगा, वो अपना पेरिस्कोप निकालेगा, और पेरिस्कोप निकालने के बाद ऐसे ऊपर चढ़ेगा पेरिस्कोप को ऐसे ऐसे, और बहुत आराम से देख लेगा कि पानी के ऊपर क्या क्या चल रहा है, इसी को हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं, आप मेरी बात समझे ना। चलो तो अवसर पर 20 सवाल का सही उत्तर होगा, ये लीजिए छठवां क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल, एकदम खूबसूरत क्वेश्चन, देखते भाई कितने लोग इसका आंसर दे पाते, पढ़िए भाई जल्दी से। यस टू प्लेन मिरर, वेरी गुड वेरी गुड मिस्टर राजपाल प्रिया क्या बात है। थोड़ा एक बार सेशन को लाइट भी करते रहना सब लोग। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, और बच्चों इसका आयतन देख लो, आयतन कितना बोला जा रहा है 3 मीटर क्यूब, प्रतिरोध 3 ओम है, और लंबाई पूछ रहा, अरे पूछ रहा है ना लंबाई, तो बच्चों लंबाई निकालनी हमें, और आंसर देख लीजिए किस पदों में है। तो चलो मैं एक हिंट दे देता हूं आप लोगों को, बच्चों रेजिस्टेंस आर निकालने का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बटे ए, रेजिस्टेंस दिया गया है, रो दिया गया है, लंबाई निकालनी है आपको लंबाई, और बच्चों देखो एरिया नहीं दिया गया तो आयतन तो दिया गया है, तो क्या हम लोग आयतन को एरिया के पदों में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे भैया, आपको पता है कि आयतन बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ, आयतन 3 है, एरिया ए है, लंबाई कितनी है, सर लंबाई तो मुझे निकालना है, ठीक है।
तो आप बताओ यहां से एरिया कितना कहोगे? सर एरिया हो जाएगा 3/L के साथ। बोलो बोलो बोलो, 3/L होगा। चलो तो बताइए रेजिस्टेंस कितना? सर 3 ओम। रेजिस्टिविटी रो, लंबाई मुझे निकालना है और एरिया की जगह पे हमने लिख दिया 3/L। और जैसे ही एरिया की जगह पे बच्चों 3/L लिखेंगे तो L हमारा चला जाएगा ऊपर, ये देखिए। तो फाइनली मुझे बताइए L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? सर L स्क्वायर बराबर 9/ρ। आ गया ना। तो फाइनली आप मुझे बताओ L बराबर कितना हो जाएगा? 9 का अंडर रूट 3 और रो का अंडर रूट देखिए √ρ। बोलिए तो 3 √ρ। सर 3 √ρ, ये हमारा सवाल का सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर। चलो आगे देखिए अगला सवाल, ये लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए भैया। कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बताइए इस तरह के स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड बना है, तो आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना नहीं जानते हैं ना तो फिर ऐसे सवाल नहीं लग पाएंगे। आराम, जैसे क्या बोला जा रहा है, CCCl2 और CaCO2। CaCO2 का मतलब क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड। तो बताइए इन दोनों में किस तरह के बॉन्ड होंगे? स्ट्रक्चर बनानी आती है। चलो तो पहले आप स्ट्रक्चर बताइए कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों CCl4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है, CCl4 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। देख लो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना मेरे भाई। CaC2 क्या है बच्चों? CaC2 मतलब कैल्शियम कार्बाइड। और याद करो कैल्शियम कार्बाइड की स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसी बताई थी आपको, है ना। बोलिए कैल्शियम कार्बाइड की स्ट्रक्चर इसी तरह से तो बताई थी CaC2 की। तो अब बताओ दोनों को आप गौर से देख लीजिए। सर दोनों को गौर से देख लीजिए, इसमें भी पूरी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड है और मेरे भाई इसमें भी तो पूरी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड है। कहीं पर आयनिक बॉन्ड का नामो निशान नहीं है। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होगा, CCl4 और CaC2 में दोनों में सहसंयोजक बंध होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप सब लोग बी आंसर दे रहे भैया, बी आंसर गलत है दोस्त। आप देखो एक बार, ठीक है चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आइए अगला। चलो ये लीजिए 8वां नंबर सवाल। देखो इस तरह के सवाल आपके रेलवे हमेशा पूछता है, लेकिन मैं कुछ डेटा चेंज कर देता हूं जिससे कि आप इसी तरह के कई सारे और भी सवाल लगा सको, है कि नहीं? बताइए उत्तर क्या बात है। थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करते रहो फटाफट। बताइए जल्दी से अगले सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। अगला सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, आइसोब्यूटेन में कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच और कुल कितने बंद है आपको ये बोला जा रहा है। स्ट्रक्चर जो बोला जा रहा है बच्चा, सर यहां पर आइसोब्यूटेन है। सर आइसोब्यूटेन लगाओ, देखो एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, ये है नॉर्मल ब्यूटेन, ऐसे 4 कार्बन लगा दो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। लेकिन जैसे ही हमने अपने 4th कार्बन को उठा के यहां लगा दिया, सर ये है आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन है। लेकिन अभी वैलेंसी खत्म नहीं हो रही, यहां पर 3 जगह हमें हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा तब कार्बन की 4 संयोजकता होगी। सर यहां 3 जगह बताइए क्या लगाना होगा, हाइड्रोजन तब कार्बन की 4 संयोजकता होगी और 1 जगह यहां पर भी हाइड्रोजन लगाना होगा तब कहीं जाके कार्बन की 4 संयोजकता होगी। देख लो चाहे देख लिया, बताइए फिर आप बताओ कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड? सर कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच 3। कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना? सर यहां 3, यहां 3 और कार्बन हाइड्रोजन के बीच यहां 7, टोटल कितना? 10। टोटल हमारा 10। तो बच्चों इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर जाएगा, 3, 7 और 10 के साथ, 3, 7 और 10 के साथ जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को हर एक स्ट्रक्चर को बनाना आना चाहिए। अगर आप नहीं बना पाओगे तो फिर सवाल का आंसर नहीं निकाल पाओगे यार। देखो मैं बताऊं फिर से, आप ना ये मत सोचो कि आपको वही आंसर देना है, नहीं, हो सकता है कि डेटा चेंज भी हो, तो आपको चीजों को ध्यान से समझना है। यहां पर आइसोब्यूटेन था और आइसोब्यूटेन कैसे बनता है, आइसोब्यूटेन का बनाना आना चाहिए। देखो ब्यूटेन ना 2 तरह से बनता है,
अगर हमने इस तरह से चार कार्बन लगातार लगा दिया, ये होता है नॉर्मल ब्यूटेन। ये क्या होता है सर? ये नॉर्मल ब्यूटेन। और याद रखना, अगर हमने एक कार्बन को उठाकर नीचे ले आए बच्चों, ये स्ट्रक्चर जो बनती है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन। मेरी बात समझो ना। चलो नेक्स्ट आइए, चलो नौवा नंबर सवाल पढ़िए भाई, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर नौवे का आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ फटाफट जल्दी से बताइए इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाना चाहिए। बच्चों बोला जा रहा है किस जगत में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज ओनली यूनिसेलुलर। हरा सर, सिर्फ जो यूनिसेलुलर के बारे में बताइए कि इनमें से कौन हमारा यूनिसेलुलर होता है। बोलो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा मोनेरा, कवक, ऐसे बहुत सारे आंसर दिए रहे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन हमारा सही आंसर जाएगा। बच्चों आपको पता है, जब भी कभी हम लोग कोशिका की बात करते हैं, हम लोग जब भी कभी सेल की बात करते हैं, तो याद रखना मेनली हमारे पास दो तरह की सेल होती है। पहली बताइए क्या नाम है? तो कहना पहली सेल का नाम है बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और आप तो सबको पता है कि प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर है। हरा, प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेलुलर होती है। मोनेरा इस संरचना प्राणी है, मोनेरा। लेकिन जैसे ही हम यूकैरियोटिक में आते हैं ना बच्चों, तो यूकैरियोटिक में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहली कोशिका का नाम होता है सर, एक यूनिसेलुलर भी होता है इसमें, और याद रखना इसमें जो है हमारा मल्टीसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है, ओके। लेकिन प्रोकैरियोटिक में हमेशा यूनिसेलुलर ही होता है, प्रोकैरियोटिक ऑलवेज यूनिसेलुलर। हरा, लेकिन यूकैरियोटिक में जो यूनिसेलुलर होता है ये हमारा क्या होता है सर? ये हमारा होता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। हरा, फिर मल्टीसेलुलर भी तीन तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से? तो कहना इसमें हमारे फंगस आ सकते हैं, फंगाई, फंगाई के साथ साथ एनिमिलिया आ सकते हैं, एनिमल्स, ओके, और इसके बाद प्लांटिया आ सकते हैं या प्लांट। आप मेरी बात समझो। तो देखो, अगर यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर वाले जो होते हैं वो मोनेरा भी यूनिसेलुलर में आता है और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर में आता है। यूनिसेलुलर में मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों आते हैं, इसीलिए इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, मोनेरा और प्रोटिस्टा। बस अंतर इतना होता है कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। बात समझ पाए ना? ठीक है, चलो आ जाइए नेक्स्ट। ये लो, ये सवाल सॉल्व करके दिखाइए, बड़ा प्यारा सवाल है। देखते भाई कितने लोग इस सवाल का सही आंसर देते। ऐसे डायग्राम देखकर भी कई बार जो है हरा, कई बार चीजें समझ में आनी चाहिए। पहले आप डायग्राम को समझ लो कि डायग्राम कहना क्या चाहता है आपसे। बच्चों बोला जा रहा है, एक जार में दो गैर मिश्रित जल पदार्थ वन और पदार्थ टू, या द्रव वन और द्रव टू है, रो वन और रो टू इनकी डेंसिटी है, एक भौतिक घन से भरी हुई है, बनी है, जार में डला दी जाती है, चित्र में दर्शाया जाता है, तो रो वन रो टू रो थ्री का मान बताना है, कौन ज्यादा कौन कम, बताइए, बता पाओगे? तो मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, सबसे ऊपर वाला जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो वन है, नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी रो टू है, और इसके बाद ये जो हमारा क्या है सर, ये जो हमारा पदार्थ भरा हुआ है या बॉल है सर, इसकी डेंसिटी रो थ्री है, रो थ्री। देख लो, अब आपको बता रहा है कि इनमें से कौन हमारा सही है। तो सीधा सीधा हिसाब किताब याद रखो, जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे होगा। तो आप मुझे बताओ सबसे नीचे कौन है? सर सबसे नीचे है रो टू, 101% रो टू की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर बीच में हमारा कौन है? रो थ्री कम होगी। हरा, और सबसे ऊपर रो वन। देख लो बच्चों, जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है वो ऊपर होता है, तैरता है, और जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वो नीचे चला जाता है। ये उत्तर सही होना चाहिए। और ऐसा दिखने वाला बताइए आंसर हमारा कौन सा है? सर आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर, आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर है। हरा, अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछूं, मेरा ऐसे ही मन कर रहा है, मैंने सोचा कि आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, जो भी बताएगा भैया इनाम मिलेगा आपको। मान लीजिए आपके सामने जो है इस तरह से दो द्रव है सर, ये द्रव रो वन डेंसिटी का है और ये द्रव रो टू डेंसिटी का है। बहुत ध्यान से सुनना कैदे के साथ, सर मेरे पास दो द्रव है रो वन और रो टू डेंसिटी के, मैंने इसमें एक ही वस्तु डुबोई,
सर मैंने इसमें एक ही वस्तु डुबोई, यही वस्तु डुबोई, पहले वाले द्रव में ये वस्तु इस तरह से डूबी हुई है हरा, और दूसरे वाले जो द्रव है, दूसरा वाला जो द्रव है उसमें ये वस्तु कैसे डूबी हुई है? सर दूसरे वाले द्रव में ये वस्तु ऐसे डूबी हुई है, ऐसे, ठीक है, मतलब वस्तु एक ही है, ये भी सेम वस्तु है और ये भी हमारी सेम वस्तु है, लेकिन जब इसको दो द्रव में डुबोया गया, पहले द्रव में इसकी डेंसिटी रो वन है और दूसरे द्रव की डेंसिटी रो टू है, मुझे वस्तु से मतलब नहीं, वस्तु एकदम सेम है, तो आप में से कोई मुझे बताए कि रो वन और रो टू के बीच में क्या संबंध सही होगा? पहला संबंध है रो वन ग्रेटर देन रो टू, रो वन लेस देन रो टू हरा, या फिर रो वन बराबर रो टू, आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है? नो आइडिया, बताओ इन चारों में से कौन सा उत्तर आपका सही होगा, आंसर दीजिए, बताओ। बोलो बोलो बताओ डे। तो बच्चों एक बात मुझे बताइए, ये वाला जो द्रव है इसमें वस्तु ज्यादा डूबी हुई है और ये वाले द्रव में वस्तु कम डूबी हुई है। हमेशा इस बात को याद रखना, जो हल्का द्रव होता है सर उसमें वस्तु ज्यादा डूबती है और भारी द्रव में कम डूबती है। नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र का पानी भारी होता है, समुद्र के पानी में आप ज्यादा ऊपर उठे हुए नजर आओगे। तो बच्चों ये द्रव हल्का होगा तभी वस्तु ज्यादा डूब गई और ये द्रव भारी होगा, तो 101% भारी द्रव में वस्तु को तैरना ज्यादा आसान होता है। आसान का मतलब जब वस्तु बाहर हो जाती है रा, तो द्रव ये वाला भारी होगा और भारी का मतलब हो गया कि डेंसिटी हमारी ज्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सवाल आ जाए ना तो करना सीख लीजिए। ओके चलो आगे आइए, ये लो 11वां नंबर सवाल पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या होगा। राधे किशन वेरी रोड शिव सेंटर, क्या बात है हरा सी एस टे। अगले सवाल की ओर बढ़िए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। किसी तत्व एक्स का ऑक्साइड H2O है, बताइए यह किस वर्ड में आता है? है ना सर, ऑक्साइड दे दिया और आपको वर्ड पूछ रहा है। मेरे भाई यहां पर देख लो H2O है, पहला है, दूसरा है, 17वां है या A और C दोनों? ठीक है संजीव कुमार, आप माई पार्सल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, आप जो बैच की डिमांड कर रहे हो वो बैच एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी मिल जाएगा, माई पार्सल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो बच्चों एक बात मुझे बताइए, क्या आपने सोडियम ऑक्साइड का नाम सुना है? बिल्कुल सर एकदम सुना है सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम हमारा पहले ग्रुप में आता है तो पहला वाला आंसर तो एकदम सही। ओके फिर आपने क्लोरीन ऑक्साइड का नाम भी तो सुना होगा Cl2O, बोलो बोलो सुना है ना, ऑक्सीजन की दो संयोजकता इधर, क्लोरीन की एक संयोजकता इधर मेरे भाई, तो यह भी उत्तर सही हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर जाने वाला है ए और सी दोनों के साथ। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना? वैसे क्लोरीन के बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं ऑक्सीजन के साथ, मैं आपको बता दूं Cl2 भी बन सकता है, एक और आता है Cl2O7, ये सब भी बन सकता है, लेकिन जब ऐसा बोला ही नहीं दिया इनमें से कौन सा, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है अरा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा ए और सी, क्लोरीन हमारा 17वें रूप में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो 12वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। निम्नलिखित में कौन सा जगत है ना निडेरिया संघ में आता है, आप बताओ इनमें से कौन सा निडेरिया संघ में आने वाला जीव है? घोंगा, कोरल, केचुआ हरा, इसके बाद है समुद्री आर्चिन, फटाफट जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर सही होता है जिनमें से निडेरिया संघ में आता है, याद है ना सबने संघ, ठीक है बताओ। हाँ H2O वो तो भी तो हमारा फर्स्ट वर्ड में आएगा बच्चों, ये जो केचुआ है आप पहले बताओ केचुआ किस फाइलम में आता है? तो याद रखना केचुआ का फाइलम तो सबको याद होना चाहिए एनीलिडा, एनीलिडा फाइलम में केचुआ आता है हरा। घोड़ा याद रखना, घोड़ा जो आता है वो मोलस्का में आता है, ठीक है। कोरल ध्यान रखना ये हमारा निडेरिया संघ में आता है, निडेरिया निडेरिया, ओके। और समुद्री आर्चिन सर ये इकाइनोडर्मेटा में आता है,
किसमें आता है सर? ये हमारा आता है इकाइनोडर्मेटा में, बोलो। और हर एक फाइलम की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर बताइए किसके साथ जा रहा है, इन्होंने क्या बोला, निडेरिया। तो आंसर इसका जाने वाला है टोरल के साथ, ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर हरा। ओके चलो नेक्स्ट आइए। चलो 13वां नंबर क्वेश्चन, भैया ये वाला सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है हरा कि बहुत ज्यादा कठिन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको चीजें शायद हो सकता ना पता हो। चलिए देखते भाई कितने लोगों को पता है कि नाभिक के न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान संख्या 36 है, तो बताइए उसके नाभिक में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे। सर इन्होंने न्यूक्लियॉन्स की संख्या पूछी है, ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। हाँ क्या बात है, थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो भाई फटाफट, है ना। पहले आप बताओ ये न्यूक्लियॉन क्या होते हैं। बच्चों न्यूक्लियॉन का मतलब ये होता है कि जो भी नाभिक के अंदर रहते हैं, है ना सर, जो भी नाभिक के अंदर रहते हैं। नाभिक के अंदर कौन कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो योगफल होता है बच्चों, उसी को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, उसी को हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं मेरे भाई। अब आप बताओ जरा, अगर ये हमारे पास क्लोरीन है 17 हरा, उसके बाद 36 और द्रव्यमान संख्या जो होती है बच्चों 36, सर यही तो हमारा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है, बोलिए होती है ना। तो न्यूक्लियॉन की संख्या डायरेक्ट 36 हो जाएगी, डायरेक्ट 36 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जा रहा, सी वाला उत्तर, और कुछ नहीं। जैसे कुछ लोग 19 कह रहे हैं, कुछ लोगों ने न्यूक्लियॉन को न्यूट्रॉन समझ लिया, न्यूट्रॉन नहीं लिखा यार, समझे ना बात को। ओके चलो आ जाइए नेक्स्ट आइए। ये लो बच्चों मैं आपको बता दूं, आज रात 10 बजे ऑफर का अंतिम दिन है, ये सब कुछ हमारा अभी डिस्काउंट में चल रहा है। तो आज रात 10 बजे तक आप माई पाठशाला एप्लीकेशन पे ये सारे के सारे बैच ज्वाइन कर सकते हो। अरे माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सारे के सारे बैच ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप डी एनटीपीसी का बैच 360 में है, आरपीएफ का कंप्लीट बैच 360 में, सीबीटी का 700 रुपए में और आरआरबी जेई सीबीटी 1 का 300 में। बैच में आपको सारी की सारी चीजें मिलेगी जो जो सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, है ना। चलो 14 नंबर सवाल फटाफट जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का टेट उत्तर क्या होगा, बताइए उत्तर। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, बताइए, मिस्टेक हो रही कोई बात नहीं यार, बताइए जल्दी से अगला सवाल क्या होगा। जब आप 10 से 12 वर्ष के होते हो तो बताइए किस हार्मोन के स्त्राव से शरीर में शारीरिक परिवर्तन होता है। बहुत बढ़िया सवाल, देखो होता क्या है कि जब आप 10 से 12 वर्ष की उम्र में पहुंचते हो तो आप बच्चे से जवान होना शुरू कर देते हो। तो बोला जा रहा है कि बताइए शरीर में वो कौन से हार्मोन है जो निकलते ही जिसकी वजह से आपके शरीर में परिवर्तन देखने को मिलता है, आंसर दीजिए। बेसिक साइंस का भी कोर्स है, उसमें भी आपका डिस्काउंट चल रहा है, 499 का कोर्स अभी इस समय 399 में है ना। माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया आप सब लोग, उसी में आपको सारी जानकारी मिल जाए करेगी। अरे या फिर आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है आप उस नंबर पे भी फोन कर लिया करिए, ये आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, लिखा है 10 से 12 वर्ष। बच्चों 10 से 12 वर्ष में क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं मेल होते उनके टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और जो फीमेल होती है उनकी ओवरी से धारकना एस्ट्रोजन हार्मोन। बच्चों धारकना ये दोनों हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से आपको शारीरिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब देखो पहला एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, गलत हो गया यार, एस्ट्रोजन टेस्टिस से थोड़ी ना निकलता है, एस्ट्रोजन एड्रिनल गलत, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायराइड ये भी गलत है यार। आंसर इसका सही आएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन हार्मोन फ्रॉम ओवरी, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, नेक्स्ट आइए। ओह ये सवाल लगाते दिखाइए तब मैं जानू, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ इस सवाल का सही आंसर। देखते भाई कितने लोग इसका आंसर देते, बोलो। 15वां नंबर सवाल है और मैं फिर से एक बार बता दूं, जितने भी बच्चे नए जुड़े हम लोग के साथ, अभी मैं आपको आज 10वां सेट सॉल्व करा रहा हूं। 10वां सेट मिला के 250 क्वेश्चन होते हैं और 250 क्वेश्चन की डबल कॉलम की जो पीडीएफ है, कल मैंने आपसे वादा किया था और आप लोगों ने बोला था कि 250 क्वेश्चन को एक साथ पीडीएफ बनवा लेना सर, तो ये एक साथ सारी पीडीएफ बन चुकी है और ये पीडीएफ मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। टेलीग्राम चैनल का नाम है माई पाठशाला पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना माई पाठशाला पीडीएफ, उसी में ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके चलो सवाल देखिए बच्चों, सवाल क्या है,
सवाल लिखा है R1 R2 या R1 R2 R3 जो रेजिस्टेंस है इनमें बहने वाली धारा का अनुपात बताना है I1 रेशो I2 रेशो I3। अब समझो पहले ये सवाल लगे डटे से, मैं आपको पहले बता दूं, पहले ये जो तीनों समांतर में बच्चों, समांतर में वोल्टेज समान होता है और I बराबर फॉर्मूला होता है V बटे R। अगर वोल्टेज हमारा कांस्टेंट हो गया दोस्त मेरे, तो बहने वाली जो करंट हो रही है वो देखो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही। अरे बोलो, तो अगर मुझे धारा आई का अनुपात निकालना है तो रेजिस्टेंस का उल्टा कर दो, 5 का उल्टा 1/5, 10 का उल्टा 1/10 और 30 का उल्टा 1/30। लेकिन मेरे भाई ये अनुपात सही करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 30 का, कर दीजिए 30 का मल्टीप्लाई, तो 5 × 6 = 30, 10 × 3 = 30, 30 × 3 = 30 हरा। तो इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो 6 + 3 = 1 के साथ जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। बोलिए बच्चों सबको क्लियर है? चलो ये वाला सवाल बताइए, 16वां नंबर पढ़िए जल्दी और बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। क्या बात है, एक बार थोड़ा कमेंट में रीड कर लू आप लोगों के क्या चल रहा है अंदर। हरा पहले आप सवाल को एक बार पढ़ लीजिए कि तापमान बढ़ने पर कौन सी घटना बढ़ेगी। सर तापमान बढ़ने पर बताइए इनमें से कौन सी घटना बढ़ेगी, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो आप बताओ अगर तापमान बढ़ेगा तो इनमें से वो कौन सी घटना है, गैसों के बारे में इनमें से वो कौन सी घटना है जो बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। पहला है डिफ्यूजन, मतलब गैसों का प्रसार, वाष्पीकरण और संपीड़न। देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन यानी गैसों का प्रसार ये तो बढ़ेगा, वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, लेकिन गैसों का संपीड़न, अरे भैया संपीड़न का मतलब है पास पास आना, पास पास तभी आता है जब टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे तो फैलता है। आप मेरी बात समझो, संपीड़न होने की वजह से उत्तर गलत हो गया। तो सर गैसों का संपीड़न तो यहां भी है, उत्तर गलत हो गया, गैसों का संपीड़न यहां भी है, उत्तर गलत हो गया। आप मेरी बात समझ पा रहे, ठीक है? तो बच्चों इस सवाल का बताइए सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर जाएगा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक तो गैसों का वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, गैस जल्दी जल्दी भाप बनेगी, दूसरा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना, ठीक है, यह भी बढ़ जाएगा, और इसके बाद आप मुझे बताओ एक्सपेंशन भी बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये लो 17 नंबर सवाल पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या होना चाहिए। मलेरिया परजीवी मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद कहां पहुंचता है, बहुत बड़ी सवाल। आपको पता है ये जो मलेरिया बीमारी है, अगर आपसे ये कोई पूछे कि मलेरिया बताइए किस से होता है, क्या वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, कहना नहीं सर मलेरिया जो है एक ऐसी बीमारी है जो हमारे एक प्रोटोजोआ से फैलता है। कोई पूछे वो कौन सा प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया बीमारी फैलती है, तो कह देना प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ मलेरिया बीमारी फैलाता है। सर इसके लिए एक वाहक भी होता है, वाहक का अगर कोई नाम पूछे कि मलेरिया बीमारी फैलाने वाले वाहक का नाम बताइए, तो आपको कहना है मादा एनीफिलीज मच्छर। चलो एनीफिलीज ही लिख देते, अरा तो मादा एनीफिलीज मच्छर सर ये जो है वो है जो कह सकते हैं मलेरिया बीमारी फैलाएगा। इसलिए दवाई का नाम भी पूछा जाता है क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन ध्यान रखना यह हमारी दवाई का नाम है। अब सुनो जो हमारा मलेरिया होता है वो सबसे पहले लीवर में पहुंचता है और लीवर के बाद ये डैमेज करता है हमारे आरबीसी को, ठीक है? तो लीवर और लीवर के बाद बताइए कहां पहुंचता है वो आरबीसी में, ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर है, ठीक है? चलो नेक्स्ट टाइम ये लो सुपीरियर वीना कावा कहां प्रवाहित होती है। सुपीरियर वीना कावा से ब्लड, ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वीना कावा, हरा मतलब सुपीरियर वीना कावा से बताइए खून कहां प्रवाहित होता है। बच्चों मैं पहले एक बार बता दूं, देखो दिल के अगर चैंबर की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने ये दिल बना के दिखाया, हरा दिल के भाई साहब कितने चैंबर होते हैं सर, दिल के दार रखना 4 चैंबर होते हैं, ऐसे 4। ऊपर वाले चैंबर हमारे आलिंद कहलाते हैं, ये हमारा राइट ऑरिकल होता है, हरा ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल होता है, ओके ये हमारा राइट वेंट्रल होता है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रल होता है, ऐसे तो होता है। अब रही बात वीना कावा, तो दो तरह के वीना कावा होते हैं, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। सुपीरियर वीना कावा क्या करता है बच्चों, सुपीरियर वीना कावा अशुद्ध खून को लेके आता है, लेकिन कहां से अशुद्ध खून लेके आता है सुपीरियर वीना कावा, वो ऊपरी अंगों से लेके आता है, ऊपरी अंगों से, अरा तो सुपीरियर वीना कावा ऊपरी अंगों से अशुद्ध खून लाता है। एक होता है इंफीरियर वीना कावा,
सर इंफीरियर वीना कावा ये निचले अंगों से, दिल के निचले अंगों से अशुद्ध खून लेके आता है। लेकिन ये सारे के सारे जो अशुद्ध खून लेके आते हैं बच्चों, वो कहां लेके आते हैं? तो कह देना ये लेके आते हैं दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद बताइए, दाएं आलिंद कौन सा है? सर दाएं आलिंद है ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर, दाएं आलिंद ऑप्शन नंबर है। जल्दी नहीं करना किसी भी तरह का, बाएं आलिंद मत बताइए भैया। जब यहां से अशुद्ध खून आता है तो ये वाला राइट वाला जो हिस्सा होता है दिल का बच्चों, दरअसल दिल का राइट वाला हिस्सा हमेशा अशुद्ध खून स्टोर करता है, अशुद्ध खून। और जबकि दिल का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है बच्चों, ये लेफ्ट वाला हिस्सा, सर ये लेफ्ट वाला हिस्सा बताइए कौन सा खून स्टोर करता है? तो कह देना लेफ्ट वाला हिस्सा सर शुद्ध खून स्टोर करता है, शुद्ध। ठीक है, बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना? तो आंसर बताइए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा आप ले से कोई बताएगा, यहां पर एक वाल्व लगा होता है सर, यहां पर एक वाल्व लगा होता है और यहां एक वाल्व लगा होता है। चलो मैं इसको एक्स कह दे रहा हूं, इस वाल्व को वाई कह दे रहा हूं। कोई मुझे बताएगा एक्स कौन सा वाल्व है और वाई कौन सा वाल्व होता है? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ, एक्स कौन सा वाल्व होता है, वाई कौन सा वाल्व होता है? मतलब दाएं आलिंद दाएं निलय के बीच एक वाल्व होगा, यहां पर भी दिल में वैसे होते तो टोटल चार वाल्व है ना, लेकिन ध्यान रखना दाएं हिस्से में यानी दाएं आरिके राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच हमारा एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, जबकि लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है सर उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। तो ये दो वाल्व भी आप लोग को याद करना है। और याद रखना जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है सर बाइकस्पिड वाल्व को ही हम लोग माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। ओके चलो आगे नेक्स्ट। ओके 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बहुत बढ़िया सवाल है। अब थोड़ा मैं इसको प्यार से समझाऊंगा क्योंकि कई बार ये सवाल परसेंटेज में पूछा जाता है और बच्चे घबरा के आंसर ला देते हैं। यस वेरी गुड कुसुम, अंकित, संतोष, सीएसके, राधे, जितेंद्र, श्री कृष्णा है ना। बच्चों बोला जा रहा है एक रक्त ए समूह वाला व्यक्ति बी रक्त समूह वाली महिला से व्यवहार करता है, दोनों रक्त समूह के लिए विषम युग्मजी है, उनके प्रथम बच्चे के एबी रक्त समूह होने की बताओ क्या संभावना है? प्रथम बच्चे के एबी रक्त समूह होने की। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखो सबसे पहले तो पुरुष हमारा कौन है? पुरुष है ए, तो बगल वाला ओ अपनी तरफ से लिख लो। महिला, सर महिला का ब्लड ग्रुप है बी, तो बगल वाला ओ अपनी तरफ से लिख लो, है ना। मैंने बताया ना कई बार जब भी तभी हम लोगों को ए और बी लिखा हो मिले, दूसरी वाली जगह खाली हो मिले तो इस तरह से लिख लो। तो पहले हम ये देखेंगे कि बच्चे की पॉसिबिलिटी क्या है। तो बी डबल टीप्लाई इसके साथ ए बी, बी डबल टीप्लाई इसके साथ बी ओ है, ए डबल टीप्लाई ओ के साथ ए ओ, और ओ ऐसे चार पॉसिबिलिटी आई। लेकिन चार पॉसिबिलिटी में से करेक्ट पॉसिबिलिटी बताइए क्या क्या हो सकती है। तो कहना देखो सर ये जो आपने ए बी बनाया ये ब्लड ग्रुप होता है ना। बी ओ, बी ओ कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता, सिर्फ बी होता, ओ हटाना है ओ लगाना है तो इसलिए ओ लगाया ओ हटाया। और AO कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता, सिर्फ A होता है। O कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता, सिर्फ O होता है। यानी होने वाले बच्चे में सर, होने वाले बच्चे में बताइए सर कितने ब्लड ग्रुप बन सकते हैं? चार ब्लड ग्रुप हो सकते हैं होने वाले बच्चे में बच्चों, चार ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो बोलो बोलो। हाय अभी चार में से पहले बच्चे में कितना चाहिए? ए बी, तो हमें ए बी चाहिए, चार पॉसिबिलिटी है, ए बी चाहिए चार पॉसिबिलिटी है। फटाफट जल्दी से मुझे बताएंगे इसका जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? सर आंसर जाने वाला है 25% के साथ, ऑप्शन नंबर है। जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना, ध्यान से पहले लगा लीजिए समझ लीजिए हैं। बोलो बोलो सबको क्लियर है ना? एक क्वेश्चन मैं और पूछूं है ना, मैं आपको बता दूं मेरे पास यानी योगी सर के पास जो ब्लड ग्रुप है वो है बी पॉजिटिव। अरे सर योगी सर के पास ब्लड ग्रुप है बी, चलो बी ही मान लेते हैं। और योगी सर की जो वाइफ है सर, योगी सर की जो वाइफ है उनके पास जो ब्लड ग्रुप है वो भी बी है। मतलब योगी सर के पास भी ब्लड ग्रुप बी है और उनकी वाइफ के पास भी बी है। तो अभी मेरा बेबी हुई है, मेरी बेटी हुई है अभी जस्ट, तो आपको यह बताना है कि मेरी बेटी के पास हरा ओ ब्लड ग्रुप होने की कितने प्रतिशत पॉसिबिलिटी है? अरे ओ ब्लड ग्रुप होने के
सर ओ ब्लड ग्रुप होने के कितने प्रतिशत चांस है? चलो बताओ कितने परसेंट चांस है, आंसर दीजिए जल्दी बताइए। तो बच्चों इसको भी तो ऐसे ही लगाओगे यार, इसको भी ऐसे ही लगाओगे। मेरे पास बी ब्लड ग्रुप है तो खाली जगह ओ अपने मन से भर लो, मेरे बीबी के पास भी बी ब्लड ग्रुप है चलो उसको भी भर लो ओ से, ऐसे ही तो होगा ना, बोलो बोलो ऐसे ही होगा ना। अब जल्दी से आप इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई बी बी ये देखो, बी ओ ये देखो, फिर ओ बी ये देखो, और फिर ओ ओ ये देखो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसी तरह से लेके बी 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 ओ है ओ बी ओ ओ, ध्यान से सुनो। अब बताओ जरा क्या हो सकता है? सर बी बी कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता सिर्फ बी होता है, अरे बी ओ कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता सिर्फ बी होता है, ओ बी कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो है टेट्रा होता है सर बी होता है, और इधर आइए सर ओ ओ कोई ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता ओ होता है। मेरे भाई यहां पर आप देखो पॉसिबिलिटी जो बच्चे में हो सकती है वो दो ही ब्लड ग्रुप की हो सकती है, या तो बी होगा या ओ होगा, बोलो तो या तो बी या तो ओ। अब हमें ओ ब्लड ग्रुप लाना है, है ना, और ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है तो एक बटे दो होगा, और इंटू बताइए कितना हो जाएगा? सर इंटू हंड्रेड, इंटू हंड्रेड। हमें आंसर यहां से बताना है, ध्यान रखिएगा। चलो आ रही है 20वां नंबर, पढ़िए भाई जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। बच्चों 20 में लिखा है कि मेरे पास दो लेंस है सर, एक की पावर जो लिखी हुई है 2.50 डायोप्टर है वो भी प्लस में है, दूसरे की जो पावर है वो माइनस 3.75 डायोप्टर है माइनस में, है ना, मतलब एक उत्तल लेंस हो रहा है एक अवतल लेंस। जब इसको आप कंबाइंड करते हो तो कंबाइंड की फोकल लेंथ बोले सर, कंबाइंड की फोकल लेंथ बताइए क्या होगा? अरे सर क्या एएलपी में, देखो एएलपी में जो न्यूमेरिकल आएगा वो इंटर लेवल का आएगा, और जो ग्रुप डी में न्यूमेरिकल आता है वो हाई स्कूल लेवल का आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ग्रुप डी के न्यूमेरिकल कठिन होते, हाई स्कूल वाले न्यूमेरिकल कठिन होते। ओके तो बच्चों हम लोग पहले इनको जोड़कर अपनी नेट पावर निकाल ले, तो जैसे ही मैं इनको जोड़ूंगा 2.5 माइनस का 3.27 तो मेरे हिसाब से माइनस का 1.25 डायोप्टर आ जाएगा, बोलो ये आ गया। अब इसके बाद बताइए मुझे क्या निकालना है? नेट फोकल लेंथ। तो बच्चों जैसे नेट फोकल लेंथ निकालूंगा तो 100 डिवाइड बाई 1.25 कर लू, हालांकि ये उत्तर माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, और 100 डिवाइड बाई 1.25 बताइए कितना आता है? तो बच्चों 101% ये हमारा 80 सेंटीमीटर आने वाला है। कुछ चीजें तो इतनी अंडरस्टैंड होती है कि मुझे नहीं लगता कि बार बार आपको समझाने जो होते 100/1.25 सर 80 आएगा है। चलो नेक्स्ट आइए, ये लीजिए 21 नंबर प्रश्न, बताइए जल्दी से, देखते भाई कितने लोग इसका सही आंसर और सटीक आंसर देते हैं। ओके थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी करते रहो भाई फटाफट, और जरूर अभी तक लाइक नहीं रहे जल्दी से लाइक भी कर दे। क्वेश्चन नंबर 21 पहुंच चुके हैं, है ना, मैं थोड़ा देख लू एक बार क्या बात है। अभी हमें 132-133 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 88 लोगों ने लाइक किया, बहुत नाइंसाफी है दोस्त। थोड़ा एक बार सेशन को लाइक भी कर देना। एक अवतल दर्पण का आवर्धन +4 है तो बताइए वस्तु कहां रखी है? मेरे भाई आवर्धन +4 है सर, +4 आवर्धन है तो इसका सीधा सा मतलब है कि बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? सर सीधा होगा, और सीधे के साथ बड़ा होगा। बोलो अब आप ये बताओ अवतल दर्पण में सीधा और सीधे के साथ बड़ा ये प्रतिबिंब बताइए कहां बनता है, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे सामने ये अवतल दर्पण है, ऐसे हमें सीधे के साथ बड़ा बनाना है। ये रहा पोल, ये रहा फोकस, और ये रहा सेंटर। मेरी बात समझो सर, सीधे के साथ बड़ा बनाना है, यस। तो वस्तु को पोल और फोकस के बीच रख दो। जब वस्तु पोल और फोकस के बीच होगी बच्चों तो देखो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, सीधा सीधे के साथ बड़ा, ठीक है। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सर आंसर हो जाएगा बिटवीन द फोकस एंड पोल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये लो 22 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए जल्दी से और बताइए 22 क्वेश्चन आंसर, ध्यान से पढ़िए ना भैया। हाँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, स्टेटमेंट लाइफ सवाल है, पढ़िए और बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर क्या होगा।
आंसर दीजिए। बोला ही जा रहा है कि यदि प्रकाश की कण सघन से विरल माध्यम जाती है, बच्चों इन्होंने बोला यदि प्रकाश की कण सघन माध्यम से विरल जाती है, तो बताइए निम्न में कौन सा कथन सही है। हमारी प्रकाश की कण बताओ सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और इन्होंने बोला है कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब प्रकाश सघन से विरल जा रही है तो इसका मतलब अपना माध्यम बदल रही है, और जब भी कभी कोई प्रकाश अपना माध्यम बदलता है तो उस घटना को बताइए किस नाम से जाना जाता है, अपवर्तन। सर अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब बताओ अपवर्तन में क्या होता है। सर पहली बात तो ऊर्जा में वृद्धि, गलत। ऊर्जा कांस्टेंट, आवृत्ति समान रहेगी। हाँ ये सही है, आवृत्ति समान रहेगी, अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती, इवन फेज भी नहीं बदलता। अब देखो अगर सघन से विरल जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। सर वेलोसिटी बढ़ेगी, ये सही है भाई, विरल माध्यम की वेलोसिटी ज्यादा होती ना। तरंग दैर्ध्य घटेगी, गलत। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो 101% तरंग दैर्ध्य भी बढ़ेगी। तो ये देखो बी वाला सही है बच्चों, और डी वाला आंसर सही है। तो बी और डी इस सवाल का सही उत्तर जाना चाहिए, और कोई भी उत्तर इसका सही नहीं होगा, बी और डी, ठीक है। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो 23वां नंबर क्वेश्चन, पढ़िए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 23। सुनील कोई बात नहीं, अगर आपका पैसा कट गया है तो टीम अभी जो है फोन करेगी वापस से, हरा तो आप बस कॉल रिसीव कर लेना, तो जो कुछ भी होगा वो हो जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, है ना। चलो अगला सवाल जल्दी से पढ़िए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाना चाहिए। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग शरीर की प्रतिवर्ती गतिविधियों को नियंत्रित करता है। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ, इन्होंने बोला है कि नर्वस सिस्टम का वो कौन सा भाग है जो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्टिविटी समझते। सर रिफ्लेक्स एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप गर्म तवे को छुइए तो अचानक से आपका शरीर पीछा हो जाए, हरा, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो कह देना शरीर का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो, याद रखिएगा रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड है ना बच्चों। सेरेब्रम ये तो बुद्धि का केंद्र होता है, और ध्यान रखना सेरिबेलम ये बैलेंस कंट्रोल करता है, बैलेंसिंग। आपकी बॉडी की जो बैलेंसिंग होती है ये कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। बोलो, अरे एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक आदमी तो सीधी रेखा में चलना है तो बताइए शरीर का कौन सा अंग उसकी मदद करेगा, तो कह देना सेरिबेलम। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम जो है वो बैलेंसिंग कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या जाएगा। सर आंसर जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। नेक्स्ट आइए अगला, 24 नंबर, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 24। सूरज आप परेशान मत होइए, वो भी क्लास लड़ेगी, और सुनील मैं आपको बताऊं ये टीम का नंबर है, आप इनको फोन कीजिए या फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रही है, हम लोगों ने रखा ही इनको इसीलिए भाई आप लोग की समस्या दूर करने के लिए, है ना। चलो देखिए पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बाइस के लिए आवश्यक बैटरी कनेक्शन क्या होता है। पीएन जंक्शन आपने सुना है ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक डायोड बनाते दिखाया, हरा बच्चों ये आपके सामने डायोड है, ये हमारा पीएन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड। और याद रखना अगर हमें इसको फॉरवर्ड बाइस बनाना है, कौन सा बाइस बनाना है, सर इसको फॉरवर्ड बाइस बनाना है, तो बैटरी की जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो हमारी जोड़ी जाएगी पी प्लेट से, बैटरी की जो नेगेटिव प्लेट होगी वो एन प्लेट से जोड़ी जाती है। जब ये कॉम्बिनेशन होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, उसी को बोला जाता है ये हमारा फॉरवर्ड बाइस। और फॉरवर्ड बाइस का जो संकेत होता है ना वो ऐसे होता है, कुछ ऐसे है ना, और धारा देखिए इस तरह से बहती है, ऐसे ऐसे मेरे भाई, बात समझे ना। बोलो बोलो सबको क्लियर है। फिर ये पॉजिटिव प्लेट होती है इसीलिए आप यहां पर बोलते हैं हम लोग एनोड, और यहां पर जो बोला जाता है बच्चों इसे बोला जाता है कैथोड, ऐसे ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, बैटरी कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से पी, नेगेटिव टर्मिनल से एन। अरे ये सही हो रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, हरा नेगेटिव टर्मिनल से एन गलत, नेगेटिव टर्मिनल से पी नहीं, नहीं है ये कोई भी आंसर सही नहीं है, पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा पी, नेगेटिव टर्मिनल से एन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आ जाइए नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट सवाल 25 नंबर क्वेश्चन, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चा पीडीएफ कहां मिलेगी, है ना,
ट्रांसफॉर्मर बताइए किस सिद्धांत पे काम करता है। इन्होंने बोला है कि बताइए ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर की जब भी कभी बात करेंगे तो याद रखना ट्रांसफॉर्मर हमेशा एसी सप्लाई में काम करता है। हमेशा याद रखना ट्रांसफॉर्मर एसी सप्लाई में काम करता है और ट्रांसफॉर्मर ना वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकता है। ओके आंसर देखते हैं। सौ प्रेरण नहीं, ट्रांसफॉर्मर जो है बच्चों अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अन्योन प्रेरण, आप सौ प्रेरण नहीं कहना, अन्योन प्रेरण बोलना, ठीक है। तो ये वाला आंसर तो गलत है, म्यूचुअल इंडक्शन ये सही है, बाकी और कोई भी उत्तर देख लो सही नहीं है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारा अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, बी वाला उत्तर सही होगा, ठीक है। तो भाई मेरे आज के 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को आगाह कर दूं, आज रात 10 बजे तक ऑफर का अंतिम दिन है। मैं बता भी दूं ये सारा का सारा जो दाम है वो कितना है फटाफट, फिर मैं आप लोग डबल कॉलम की पीडीएफ भी दिखा दे रहा हूं, ठीक है। देखो आपको मैं बता दूं, ग्रुप डी का कंप्लीट पैकेज, मतलब सब कुछ ग्रुप डी की तैयारी के लिए सब कुछ, ये 700 रुपए, और आरआरबी जेई जो है ये तुम्हारा 360। तो आरआरबी जेई का सीबीटी 1 सब, मतलब जो भी इनमें सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि ग्रुप डी एनटीपीसी में पूरा मैथ, रीजनिंग, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनसीईआरटी की प्रैक्टिस, ये सब इसमें भी। एलपी टेक्नीशियन ने पूरा सीबीटी 1, पूरा सीबीटी 2, ये सारा का सारा दाम अभी ये है। तो आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बच्चों ये सारे के सारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर आप अगर आज रात छूट गए तो ये सारे के सारे दाम बढ़ के भी कितने हो जाएंगे मैं वो भी बता दूं। ये दाम बढ़ के हो जाएगा 864 और बाकी 360 वाला जो दाम है वो बढ़ के 480, ये वाला दाम भी बढ़ के 480 और ये वाला दाम भी बढ़ के 480। ओके तो आज रात 10 बजे से पहले आप ये सारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक और खास बात थी, मैं वो भी बता दूं जल्दी से। और बैच को ज्वाइन करने के लिए कोड लगाना पड़ेगा आपको डिस्काउंट के लिए। डिस्काउंट के लिए कोड आपका रहेगा UD10, YOGI10। ये कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज हमारा 10वां सेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो 10वां सेट है ना, वो 10वें सेट को आप जो है ना, देखो इस तरह से मैंने पूरे डबल कॉलम की पीडीएफ बना ली है ना, ये हमारे डबल कॉलम की पीडीएफ मैंने पूरे 10 सेट की बना ली है। आप देख पा रहे हैं यहां से 7वां सेट स्टार्ट हुआ है। तो ये डबल कॉलम की पीडीएफ बना ली है ताकि आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो। तो ये पीडीएफ आप बाहर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको करना क्या है कि एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। मैं नाम लिख देता हूं उस टेलीग्राम चैनल का जिससे कि आप ज्वाइन करने में आसानी रहे, ठीक है। ओके तो उस टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है माई पाठशाला पीडीएफ। माई पाठशाला आपको एक साथ लिखना है। टेलीग्राम को जैसे ही आप सर्च करेंगे माई पाठशाला, गैप दीजिएगा, पीडीएफ डालिएगा, ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर ये सारी की सारी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। हरा देखो कैरियर इंस्टीट्यूट कह रहा है किताब करा दो। बच्चा किताब से ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप परेशान मत होइए उसके लिए, तो आप परेशान मत होइए। और मेरे क्लास के बाद आप खुद किताब सॉल्व कर लेंगे, ओके। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थोड़े पर सेशन को और शेयर कर दिया करो। जितने भी बच्चे वीडियो को रिकॉर्डेड भी देखते हैं वो सब लोग भी सेशन को जरूर शेयर करें, और साथ साथ कमेंट रखें, ये जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी। चलो मैं कुछ कमेंट ले ले रहा हूं। सर बेसिक साइंस इन ड्रॉइंग की क्लास, देखो कल मैंने बेसिक साइंस इन ड्रॉइंग की एक स्पेशल क्लास लगाई है कल शाम 7 बजे। तो है क्या ना, बेसिक साइंस मैंने इतना बढ़िया से पढ़ा रखा है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, 90 वीडियो की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की 90 वीडियो की प्लेलिस्ट है, और वो 90 वीडियो की प्लेलिस्ट देख लीजिए, उससे बाहर आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग आई रही नहीं, है ना। बाकी आपको डिटेल पढ़ना है तो आप माई पाठशाला एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं इंडिविजुअल, वो सिर्फ 300 रुपए का है, ठीक है। हाँ कल बेसिक साइंस की क्लास रहेगी, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। कुमकुम क्या कह रही है, कुमकुम मेरा क्वेश्चन मैं अभी, कुमकुम आपका सवाल नहीं पढ़ पाया, कुसुम नाम है, सॉरी कुमकुम है। सर बेसिक साइंस ड्राइंग की क्लास कब से लाइव लेंगे? देखो अभी लगातार लाइव लेने का प्लान नहीं है, क्योंकि बेसिक साइंस ड्राइंग ना वो सीबीटी 2 का पार्ट है, और मैंने जो है ना पिछली बार वीडियो ना इतने सारे बेसिक साइंस में बना रखा है, मैंने बताया ना 90 वीडियो पे आप सारा कुछ पढ़ सकते हो,
अभी तो फिलहाल साइंस ही अच्छा चलेगा, और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा और नोटिफिकेशन नजदीक आएगा तो बेसिक साइंस की क्लास भी करवा देंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।